दरअसल मुंबई सहित महाराष्ट्र के कई जिलों में मिनी लॉकडाउन है और ऐसे में मुंबई पुलिस भी मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर जगह जगह पूरी मुस्तैदी के साथ पहरा दे रही है। ऐसे में महिला व पुरुष पुलिस कर्मियों को शौच से लेकर खाना खाने और कपड़े बदलने तक की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन शूटिंग के दौरान बॉलीवुड के बड़े बड़े फिल्म स्टार्स को किराए पर वैनिटी वैन्स मुहैया कराने वाले केतन रावल ने एक बार फिर मिनी लॉकडाउन में नाकाबंदी के दौरान दिन रात मुंबई की सड़कों पर पहरा देने वाली पुलिस की मदद का हाथ बढ़ाया है। केतन ने रविवार तक कुल 4 वैनिटी वैन्स मुंबई पुलिस की सेवा में नाकाबंदी वाले अलग अलग जगहों पर, जिनमें दहिसर चेकनाका, दिंडशि पुलिस स्टेशन की हद में हाईवे पर व घाटकोपर के अलावा मरोल नाके के पास तैनात कर दी हैं। हर वैनिटी वैन में 3 कमरे हैं। हर कमरे में अलग से टॉयलेट, सोने की व्यवस्था है और इनमें एयर कंडीशनर भी लगे हुए हैं। इसके अलावा केतन रावल ने बताया कि अनुमान है कि एक बार फिर मुंबई में फुल लॉकडाउन की स्थिति बन रही है। ऐसे में जब भी पुलिस को वैनिटी वैन्स की जरूरत लगेगी वह तुरंत मुहैया कराएंगे। फिलहाल केतन के पास 24 वैनिटी वैन बिल्कुल रेडी पोजीशन में है, जैसे ही जरूरत लगेगी वहां मुस्तैद कर दी जाएगी। अभी तक 4 दिया है, कल से मैंने 4 दिया है, दहिसर, मलाड, मरोल, अंधेरी और घाटकोपर, 4 जगह पे दिया है। लेकिन आज जिस हिसाब से मेरी बात हुई है डीसीपी साहब से, वो हिसाब से कल से वैन बढ़ेगी और बहुत सारे लोकेशन पे जहां जहां नाकाबंदी है वहां पे वो लोग वैन मांग रहे हैं और मैं देने के लिए राजी हूं, क्योंकि लास्ट ईयर भी मैंने 19 वैनिटी वैन दिया था 65 डेज़ के लिए मुंबई पुलिस के लिए। तो इस बार भी मैं चाहता हूँ कि 20 से 22 मिनट तक मैं दे पाऊँगा। मैं तो इस बार भी वैन देने के लिए तैयार हूँ। मैं ये हर एक वैन के अंदर से 3-3 रूम है, 3 बेडरूम जैसे अपने होते हैं, जिसमें सोफा सेट है, ड्रेसिंग टेबल है, बाथरूम है, एसी है। हर एक वैन में प्रॉपर 3 रूम है, तो एक एक वैन के अंदर 3-3 रूम है। तो लेडीज़ पुलिस, जेंट्स पुलिस अलग अलग कंपार्टमेंट में अलग अलग आराम से आराम कर सकते हैं, अंदर बाथरूम यूज़ कर सकते हैं और वो लोग प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं, उनको रेस्ट ले सकते हैं, खाना खा सकते हैं। नहीं सर, जहाँ तक मुझे नॉलेज ऐसा कुछ नहीं है, मेरी खुद की प्रॉपर्टी है, मेरी खुद की वैन है और कोई पॉलिटिकल इसमें कुछ इश्यू है वो है नहीं। मैंने मेरी खुशी से जो मुंबई पुलिस हमारे लिए जो वर्क कर रही है 24/7 कड़ी धूप में खड़ी रह के, खास करके लेडीज़ पुलिस जो इतनी मेहनत कर रही है दिन रात देखे बगैर, तो उनको कुछ सहूलियत मिल जाए, कुछ सपोर्ट मिल जाए, उसलिए मैं कर रहा हूँ। बाकी और कोई स्वार्थ नहीं है ना, मैं किसी 1 रुपया ले रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। मैं फ्री ऑफ चार्ज, बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज दे रहा हूँ मैं।